हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली एमआई बॉक्स के ऊपर है। ये एक काइंड ऑफ डिवाइस है जिसे आप बोल सकते हैं कि ये आपको वो फैसिलिटी देगा जो एक नॉर्मल टीवी को एमआई टीवी पे कन्वर्ट किया जा सकता है। डिटेल में मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है। एंड एस यू नो कि बहुत सारे रिव्यूज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे बेसिकली इस प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस क्या है, कैसे आउटपुट देता है, कितने की प्राइस पड़ेगी वगैरह वगैरह, और ये सारे डिटेल्स रहेंगे उस पर। बट मेरा रिव्यू देने का एक रीज़न ये है कि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कह सकते हैं कि मैं इसको मोर देन 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने प्रोडक्ट को तब मंगाया था जब ये प्रोडक्ट एक्चुअली में इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था, तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में तब से जानता हूँ। और ये और एस आई सेड कि बींग अ यूज़र ऑफ दिस प्रोडक्ट सिंस लास्ट मोर देन 1 ईयर, सो यू नो मैं काफ़ी डिटेल इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि इस वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये था, जैसे कि मेरे सारे वीडियोस रहते हैं प्रोडक्ट्स के लिए आपको रिव्यूज़ अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पे, बट बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी नीड्स क्या है, वो एक्चुअली फुलफिल कैसे होगा, उस बारे में ये सारी डिटेल्स इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट से। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। ये देखिए, ये है प्रोडक्ट एमआई बॉक्स का। इस पर आप देख सकते हैं गूगल कास्टिंग है, 4K अल्ट्रा सपोर्ट करता है, ये वॉइस सर्च रिमोट इंक्लूडेड है इस पे। एंड बेसिकली सेटअप बॉक्स आप बोल सकते हैं मोटा मोटे तौर पे। इस पे डिफ़ॉल्ट जो जब आप प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तब आपके साथ इस पे डिफ़ॉल्ट जो प्री डाउनलोडेड एप्स आते हैं उसमें आता है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, लाइक आपका एंड्रॉयड प्ले स्टोर आता है साथ में, गूगल गेम्स आते हैं और गूगल मूवीज़ आते हैं, रेड बुल टीवी जो एक बेसिकली एक चैनल है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो, स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स को कवर करता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेगी। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट को मैंने एक्चुअली मैं मंगाया था हांगकॉन्ग से, उस टाइम इंडिया पे ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था। हालांकि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है अमेजोन पे, अराउंड 6,500 का इसका प्राइस रहेगा। मुझे ये 7,500 पड़ा था क्योंकि 6,500 में तो मैंने इंपोर्ट किया था और 1,200 के आसपास मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था। सो आप देख सकते हैं इस पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। एक सेटअप बॉक्स रहेगा, एक रिमोट रहेगा, डेफिनेटली टीवी तो रहेगा नहीं साथ में। तो ये प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं। इसके साथ पे एक आपको HDMI केबल देगा और एक पावर अडाप्टर देगा। आप इसमें देख सकते हैं पावर अडाप्टर जो जिस तरीके से दिया हुआ है, ये एक्चुअली में ग्लोबल जो इक्विपमेंट्स होते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अलग अलग हिसाब से उस हिसाब से दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा मिलेगा आपको। बाकी मोटा मोटी तौर पे तो आपको उतना डिफरेंस तो इस पर दिखेगा नहीं, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट होते हैं, तो इंडिया के हिसाब से ये थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। नाउ प्रोडक्ट्स के पास आते हैं तो ये है मेरा HDMI केबल जो कनेक्टेड है इस पूरे MI बॉक्स के साथ। ये है इसका सेटअप बॉक्स, आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम है, शॉर्ट है, काफ़ी यू नो मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी लुक वाइज बोलोगे तो काफ़ी ज़्यादा यू नो लग रहा है कि काफ़ी शानदार गैजेट है ये। आपने जैसे देखा कि मैंने इसे कनेक्ट करके रखा हुआ है अपने सोनी होम थिएटर के साथ, वो एक्चुअली 4.1 होम थिएटर है मेरा सोनी का। तो इस पर आप देख सकते हैं कि एक ऑक्स केबल लगा हुआ है, ऑडियो आउटपुट ऑक्स केबल है जो 3.5 mm जैक से कनेक्टेड है। ये HDMI केबल है, ये कनेक्टेड है मेरे टीवी से, टीवी मेरा कोरियो का टीवी है जो एक्चुअली फ्यूचर ग्रुप का ही है। ये भी एक स्मार्ट टीवी है, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि क्या क्या सपोर्ट करता है ये। 4K अल्ट्रा HD सपोर्ट करता है, वाइड एंगल रेंज व्यू है इसका, बिल्ट इन वाईफाई है, स्मार्ट टीवी भी है ये। लेकिन इसके बावजूद मुझे रिक्वायरमेंट महसूस हुई बेसिकली इस प्रोडक्ट के बारे में, वो इसलिए ज़रूरत महसूस हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि क्यों मुझे एक स्मार्ट टीवी होने के बावजूद भी मुझे ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करने की ज़रूरत पड़ी जो बेसिकली एक नॉर्मल LED या LCD टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग,
HDMI केबल है जो मेरे टीवी से कनेक्टेड है। ये एक USB पोर्ट है जिस पे मैंने पेन ड्राइव लगा रखी हुई है अपनी। इस पे सारे मेरे वीडियोज़ वगैरह सारे सेव हैं इस पे। ये बेसिकली 1 TB तक मैंने चेक किया है, सपोर्ट करता है। मेरे पास हार्ड डिस्क भी है 2 TB का, वो भी सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। ये पावर एडाप्टर के थ्रू जो आया हुआ पावर इनपुट है, तो ये 4 पोर्ट्स आपको मिलेंगे। कमिंग बैक टू द साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार है, काफ़ी सही साउंड क्वालिटी सपोर्ट करता है ये। कोई भी किसी भी तरीके से आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं आएगा कि साउंड क्वालिटी गिर रही है या आपके आउटपुट्स ख़राब हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रा भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ही शानदार आउटपुट देता है। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो ऑक्स केबल यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरे चीज़ में। मैंने बोर्ड का ऑक्स केबल यूज़ कर रखा है इस पर, तो काफ़ी शानदार रहेगा ये। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्लिम है ये, काफ़ी फ्लैट है, छोटे से सामने पैनल है इसके, दैट्स इट। तो ये इस प्रोडक्ट का बेसिक आप देख सकते हैं कि है। अभी हम आते हैं, अब इसके बेसिकली चालू करके हम इसको चेक करेंगे एक बार। तो ये मैंने प्लग से इसको चालू किया, जब तक वो चालू होता है तब तक आप देख सकते हैं कि ये रिमोट है इसका। ओनली यू नो 5-6 बटन्स है इस पे बेसिकली बस। और ये एक्चुअली में रिमोट जो है, ये एक्चुअली ब्लूटूथ कंट्रोल रिमोट है। तो ये किसी भी दूरी से, मतलब एक 40 मीटर से 50 मीटर के रेंज पे इजली वर्क करता है, बिना किसी यू नो पर्टिकुलर एंगल के या पर्टिकुलर यू नो एक व्यू व्यू पॉइंट एरिया पे रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपको इजिली कवर कर हो जाएगा। ये वॉइस कंट्रोल रिमोट है, इस पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा ये कि ये किस तरीके से कनेक्टेड होता है आपके साउंड, आपके वॉइस कमांड्स को ये रिकनाइज करेगा और उसके हिसाब से ये कंट्रोल करेगा। तो आप देख सकते हैं ये रिमोट है जो काफ़ी यूनिक है, और जिस तरीके से इस पे सारे बटन्स दिए हुए हैं ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे उन सारे चीज़ों के लिए जो आपको आप बोल सकते हैं कि एक स्मार्ट रिमोट पे होने चाहिए। नाउ अब मैंने टीवी को कनेक्ट किया है, ये देखिए जिस तरीके से कनेक्ट हुआ है। MI डॉल्बी ऑडियो दिया, DTS दिया हुआ, HDMI दिया हुआ, ये सारे सपोर्टेड फीचर्स हैं जो इसके वेलकम स्क्रीन पे आते हैं। MI अभी लोड हो रहा है, आप देख रहे हैं इस पे गूगल एंड्रॉयड अप लोडिंग चल रहा है, जो बूट हुआ था अभी मेरा। बेसिकली जो सेटअप बॉक्स है वो अब आगे प्रोसेस हो रहा है, आप देख रहे हैं। इस पे एंड्रॉयड 8 डला हुआ है और टाइम टू टाइम इसमें अपडेट आते रहते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि MI ने इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दिया कि प्रोडक्ट को वो रेगुलर डेवलप करते रहते हैं। ऐसा जो जब मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया था तो मैं भी एक डाउट में था कि क्या पता मैंने प्रोडक्ट परचेज तो कर लिया, बट आगे जाके मुझे ऐप्स जो हैं इसमें इंस्टॉल होंगे कि नहीं होंगे, डाउनलोड्स और भी मेरे को सपोर्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा। बट टू बी वेरी लकी ऑन दैट, ये मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐप्स जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो मैं कंपेयर किया जब 1 साल पहले से लेके आज मैं कंपेयर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट्स आने लगे हैं, अपडेट्स आने लगे हैं, बहुत सारे बग्स को इन्होंने इम्प्रूव किया है, बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं। तो अभी हम चलते हैं, देखिए ये रहा रिमोट। रिमोट से मैं अभी एक बार मैंने इसको बटन टच किया। एक्चुअली में इसका रिमोट जो होता है वो बेसिकली स्लीप मोड पे चला जाता है जब वो इनएक्टिव रहता है। अभी मैंने एक बार इसको बटन पुश किया तो अब ये एक्टिव हुआ है। अब ये देखिए, अब ये काम कर रहा है। आप इसे से फॉर एग्जाम्पल अगर 20 मिनट के लिए आप रिमोट को किसी साइड पे रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड रिमोट है ये, और ये पूरी तरीके से स्लीप मोड पे चला जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू हियर, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉक्स पे दिया हुआ था कि इस पे नेटफ्लिक्स यूट्यूब ये सारे प्री इंस्टॉल आएंगे, ये सारे प्री इंस्टॉल ऐप्स हैं। एप्टॉयड टीवी मैंने एक ऐसा ऑफ मार्केट प्ले स्टोर है जिसपे जो ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहते हैं वो एप्टॉयड टीवी पे मिल जाते हैं। डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट रहेगी, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे जरूरत पड़ेगा। यूट्यूब है इसमें, हॉटस्टार है,
और साइड लोड लॉन्चर है, रेड बुल टीवी है, सारे बारे में बता चुका हूँ मैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये ईएस फाइल एक्सप्लोरर है, ये एक्चुअली में एक टाइप ऑफ फाइल मैनेजर है जो बेसिकली आप जब पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, सपोर्टिंग ऐप चाहिए रहता है, वो है ये बेसिकली। और फिर आएंगे आप Z5 में, इसके बाद मैं करिए, आता आप हूँ उसको वापस साइड ओपन लोड लॉन्चर करिए। में। साइड ओपन लोड करने लॉन्चर के एक बाद नथिंग नथिंग बट बट एक एक साइड साइट लॉन्चर लॉन्चिंग है है बेसिकली। कि बेसिकली वो ये आप ऐप इसमें देख सकते हैं कि है मैंने जो और और कौन 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 से से ऐप ऐप नहीं नहीं डाल के, डाल जैसे मैंने हॉटस्टार के। डाला हुआ है इस पे, ओके, हंगामा डाला हुआ है मैंने, आप इसमें फायरफॉक्स दिख रहे होंगे, आप उसको प्ले स्टोर दिख रहे होंगे, आपको सोनी लीव दिख रहे होंगे, ये सब जो ऐप्स है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसको अगर मुझे चलाना है तो मुझे सेडर लॉन्चर पहले डालना पड़ेगा और उसमें मेरे को ये ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब भी मुझे ये ऐप्स एक्सेस करना पड़ेगा मैं वाया सेडर लॉन्चर के थ्रू ही जाऊँगा। तो ये तो था इसका बेसिक डिटेल्स। कम अभी हम आते हैं इसके सेटिंग्स सेक्शन पे। तो सेटिंग्स पे आप आएंगे तो इसका 8 GB का टोटल हार्ड डिस्क है, ओके, एंड कैपेसिटी है टोटल ऐप कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस, और 2 GB इसका इनबिल्ट रैम है जो कि नॉन एक्सपेंडेबल है। अभी इस पर आप देख सकते हैं गूगल कास्टिंग है, ये सबसे शानदार फंक्शन है गूगल कास्टिंग। आप इसके थ्रू आप अपने एंड्रॉयड टीवी को और इस पर्टिकुलर जो आपका सेटअप बॉक्स है इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ये बहुत ही शानदार फीचर है, सबसे बेस्ट फीचर मुझे इसका यही लगा। डिस्प्ले है, साउंड है, ऐप्स है, स्क्रीन सेवर है, स्टोरेज एंड रीसेट के बारे में डिटेल्स है, और अबाउट में आप जाएंगे तो आपको इसमें सिस्टम अपडेट करने के बारे में आपसे पूछेगा। तो अभी इसको बता रहा है कि सिस्टम अभी रिसेंट इसने चेक किया है तो अभी अप टू डेट है, ओके। इस पर आपको देख सकते हैं डिटेल्स, आपको दिखेगा कि एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा डाला हुआ है। तो इस पर एंड्रॉयड दिख रहा है, एंड्रॉयड 8 वर्जन डाला हुआ है। सिक्योरिटी पैच दिख रहा है जनवरी 15 का, दैट मीन्स जो मैंने आपको बोला था कि ये रिसेंटली अपडेट करते रहते हैं पैच, सिक्योरिटी पैच देते रहते हैं, तो लास्ट इसका जनवरी में हुआ है। मैं आज मई में हूँ, अगेन मेरे को एक्सपेक्टेड है कि अनदर मंथ आई विल अगेन गेट अनदर द सिक्योरिटी पैच अपडेट। अब हम इससे बाहर आते हैं। अब हम मैं ज़्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं जाऊंगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, इसकी फंक्शंस कैसा है। इन शॉर्ट मैं बस इतना बता सकता हूँ कि 1 साल का मेरा प्रोडक्ट का पूरी तरीके से मैंने यूज़ किया है। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट जो जितना बेहतरीन सपोर्ट किया मेरे रिक्वायरमेंट्स को, मैं वो मेरे एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा एक्सीड करता है। नाउ अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो कोरियो का मेरे पास टीवी है इस पे नो डाउट कि इसकी हार्डवेयर बहुत ही शानदार है, बहुत ही आप क्वालिटी है, आप देख सकते हैं वाइड एंगल व्यू है, किसी भी एंगल पे कहीं पे भी आपको ब्लर नहीं आ रहा है, कहीं पे भी कलर लॉस नहीं हो रहा है। बट इस पे एक लिमिटेशन था कि जो इनका ऐप है, जो इनके एंड्रॉयड हैं, वो उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे जो करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे इस प्रोडक्ट को लेना पड़ा। ये प्रोडक्ट को मैंने 7,500 पे मंगवाया था, ये मैंने हांगकांग से मंगवाया था, उस टाइम पे मैं इसको इंपोर्ट करवाया था और आज मैं इसको 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। लकीली मुझे जो प्लग मिला था वो भी यूरोपियन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मिला था मुझे, यूरोपियन जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उसके हिसाब से मिला था मुझे। तो लकीली मुझे किसी भी टाइप की कन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो यूजुअली आप गैजेट्स आप अगर फॉरेन कंट्री से यूज़ करते हैं तो आपको इंडिया में उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है, जो आप बोल सकते हैं ट्रफ एंड क्रस है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज है यूरोपियन कंपनी यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के हिसाब से। नाउ अभी हम जो बात करने वाले वो ये कि इस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रॉडबैंड चाहिए रहेगा घर पे, इंटरनेट चाहिए रहेगा, जैसे कि मैंने घर पे एयरटेल ब्रॉडबैंड लगा के रखा हुआ है। इस पर अनलिमिटेड स्पीड मिलता है मुझे, 40 Mbps का स्पीड मिलता है मुझे, 40 Mbps की स्पीड में मुझे बहुत ही शानदार इस पर लाइव वीडियोज़ दिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि अगर मुझे देखना है यूट्यूब तो यूट्यूब यहाँ पर लोड होगा, इमिडिएटली यूट्यूब लोड होने के बाद ये आपको सीधा कनेक्ट कर देगा इंटरनेट से लोड होने के बाद, ये देखिए, और ये आने लगा पूरा यूट्यूब पे वीडियोस, देखिए कितना फास्ट है, कोई भी स्पीड में आपको वेरिएबिलिटी दिखेगा नहीं, आपको इस क्लैरिटी में कोई डिफरेंशिएट नहीं दिखेगा नहीं। ये मेरे 40 Mbps की स्पीड में चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए स्पीड वगैरह सारा शानदार है इसमें, वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल इंटरनेट से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये उन लोगों की रिक्वायरमेंट है जिनको टीवी की भी रिक्वायरमेंट होती है घर में और जिनको इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये एक उसका एक हाइब्रिड वर्जन है कि
कि जिसमें आप अपने टीवी को भी चला सकते हैं, और तो और आप इसमें बैठ के सारे ऐप से रिलेटेड, आप सारे वीडियो से रिलेटेड चीज़ें दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे आज के डेट में अगर मुझे नेटफ्लिक्स में कोई वीडियो देखना है, तो नेटफ्लिक्स मैं यहाँ पे जाऊँगा, नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करके और नेटफ्लिक्स का मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ। मुझे लगेगा कि कुछ और चाहिए मुझे, तो मैं एप्टॉय टीवी पे आ जाऊँगा। मुझे लगेगा हॉटस्टार में मैच देखना है, लाइव क्रिकेट मैच देखने में हॉटस्टार पर चला जाऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि मुझे गाने सुनने हैं, तो मैं गाने अपलोड करके यूएसबी में यूज़ कर सकता हूँ, और नहीं तो गाना ऐप में यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे साइडलोड लॉन्चर के थ्रू मेरे को दिखेगा, जहाँ पे मैं गाना ऐप के थ्रू जाके अपने मनपसंद गाने चला सकता हूँ अपने हिसाब से। मुझे लगेगा कि मुझे नहीं, मुझे कोई वेब सीरीज़ देखना है, तो Zee5 जैसे वेब सीरीज़ हैं इसमें, उसको मैं डाउनलोड करके उसमें जाके मैं वीडियोस देख सकता हूँ। तो ये एक टाइप को एक आपको 360 अप्रोच देगा, सारे रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल करेगा, किसी भी टाइप की लिमिटेशंस आपके पास रहेगी नहीं, बस ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट कि आपको इंटरनेट चाहिए रहेगा, जो आज के डेट में मेरे हिसाब से कोई बड़ा बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर आदमी के रिक्वायरमेंट है आज के डेट में कि उसको इंटरनेट चाहिए। और इंटरनेट के साथ साथ अगर मैं 300 से 500 रुपये का अगर मैं DTH रिचार्ज करता हूँ टाटा स्काई और एयरटेल टीवी का, तो वो मेरे लिए कोई वर्थ रहेगा नहीं। उससे अच्छा है कि मैं 800-900 का एक प्लान ले लूँगा, सिटी लाइक बैंगलोर मुंबई ये सारे पे, यहाँ पे 800-900 में आपको इजिली अनलिमिटेड इंटरनेट स्पीड मिलती है, यहाँ पे 40 Mbps 50 Mbps का, मैं वो यूज़ करूँगा और उसके हिसाब से मैं फिर अपने प्रोडक्ट को पूरी तरीके से मैं उसकी बेनिफिट्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये मेरे साइड से तो इसका सारा डिटेल्स था, और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ लगता है जो मुझे इस वीडियो में ऐड करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको डिटेल में कोई रिव्यू अगर लगेगा तो मैं दूंगा। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल रिव्यू देते रहता हूँ जो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है, ना कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोडक्ट, हैव अ नाइस डे।